हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की क्लासेस, और यहां से हम फ्यूचर टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्यूचर इनडेफिनिट, तो फ्यूचर इनडेफिनिट में मतलब सीधे साधे फ्यूचर टेंस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इनकी पहचान क्या है, देखिए फ्यूचर यानी जो भविष्य में होने वाला है, और जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, गा गे गी। क्या यूज करेंगे, गा गे गी, है ना। जैसे युवराज खाना खाएगा, आयुष मैदान में खेलेगा, आयुष गाना गाएगा। तो आपकी जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, खाना पीना, है ना, चलना फिरना, उनके साथ आप या तो गा गे गी का इस्तेमाल करेंगे, इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब यदि अफर्मेटिव की हम बात करते हैं तो इसका कोड देख लीजिए। देखिए कोड में क्या है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट। क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगता है विल। क्या लगता है, विल। देखिए वैसे इसमें दो चीजें आती हैं, शैल या विल, दोनों होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल लेवल में। आपको सबसे पहले यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, इसका कोड देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या, सब्जेक्ट आएगा। ओके, फिर आपके पास इसके बाद में क्या आएगा, या तो शैल आएगा या विल आएगा, शैल आएगा या विल आएगा। तो शैल का यूज केवल किसके साथ करना है, आई के साथ और वी के साथ, आई के साथ और वी के साथ, इन दोनों के साथ शैल लगता है। बाकी के साथ क्या लगेगा, विल। बाकी के साथ क्या लगेगा, विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, बस इतना ही है। और फिर ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सही, फिर उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो रूल आप लोग बच्चों लोग एक बार देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल या विल, हालांकि यहाँ पे विल लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं आपको बहुत ही सिंपल से सेंटेंस, बताइए राम तुमसे मिलेगा, तो राम आएगा और फिर यहाँ पे विल आएगा, राम विल मीट यू, राम विल मीट यू, राम तुमसे मिलेगा। लोग घूमने जाएंगे, लोग को क्या बोलते हैं, पीपल, पीपल बोलते हैं लोग को, पीपल विल गो फॉर अ वॉक। देखो घूमने जाने को एक साथ याद कर लो हमेशा के लिए, फॉर अ वॉक, है ना, घूमने जाना, है ना, घूमने, घूमने को क्या बोलेंगे, फॉर अ वॉक, समझ गए ना। तो लोग घूमने जाएंगे, पीपल विल गो फॉर अ वॉक। वह तुम्हें फोन करेगी या वह तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। अब वह अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, अब वह अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, ही से स्टार्ट होगा, ही विल स्पीक गुड इंग्लिश नाउ, ही विल स्पीक गुड इंग्लिश नाउ। बोली क्लियर है, ओके। यदि मैं आपको बोलूंगा नेगेटिव लगाना, तो बहुत ही सिंपल है, विल के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दो। क्या लगाओ, विल के बाद नॉट, शैल या विल के बाद नॉट लगा दोगे, शैल लगेगा या विल लगेगा, विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। और बाकी तो सिंपल एकदम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, बाकी कोड वही है। चलिए बताइए, राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू, राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू। लोग घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर अ वॉक, ठीक है। वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, शी विल नॉट कॉल यू, कॉल टू यू नहीं होता बच्चों, कॉल यू होता ओनली, ओके, यू के पहले टू नहीं लगता है, ठीक ना, क्लियर हो गया। मैं आज यहां नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम हियर। अब देखो बेटा, आई विल, देखो कभी भी आई के साथ आप विल लगा रहे हो तो आई के साथ वैसे शैल लगाओ, क्या लगाओगे आई के साथ, शैल। बोलो बच्चों, आई के साथ क्या लगाओगे, शैल। और अगर आई के साथ विल लगा रहे हो तो विल लगाने का मतलब होता है कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रतिज्ञा। तो मैं आज यहां नहीं आऊंगा, अगर विल लगा है तो इसका सेंस क्या निकलेगा कि यह प्रतिज्ञा है कि मैं कसम खाता हूं, मेरा इरादा मजबूत है, आज मैं यहां नहीं आऊंगा चाहे जो हो जाए। जैसे कई बार आप कहते हो कि मेरी लड़ाई हो गई है, मैं कल यहां नहीं खेलूंगा चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, बोलो आए ना। तो विल का मतलब होता है इरादा, विल का मतलब क्या होता है, अगर आप बहुत मजबूत इरादा कर लेते हो, बहुत मजबूत प्रतिज्ञा कर लेते हो, तो वहां पर आपका विल लगता है। तो मैं आज यहां नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम हियर। तो जैसे यहां पर एक चीज है, अभी अभी हमारे युवराज ने बताया कि यहां पर आज लिखा है, आई विल नॉट कम हियर टूडे आएगा, यहां पर लास्ट में क्या आएगा बच्चों, टूडे भी आएगा, क्योंकि आज का मीनिंग तो लिखा ही नहीं लिखने वाले ने, सो आई विल नॉट कम हियर टूडे, है ना। चलिए, वह गांव वापस नहीं जाएगा, वह ही विल नॉट गो बैक टू विलेज, ओके, टू द विलेज, ही विल नॉट गो बैक टू द विलेज, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताइए, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, यू विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस,
यू विल नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस। तो प्यारे बच्चों बताओ मुझे आई के साथ और वी के साथ क्या लगता है? शैल। और अगर कोई भी इरादा कर ले, पक्की बात करे, इरादे के लिए क्या लगता है? विल। और बाकी के साथ क्या लगता है? विल। समझ में आ गया ना? तो जैसे आप उन्हें सुने होगे, कई बार आप भी बोलते हो आई विल डू इट, आई विल, यस आई विल डू इट। अब आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया आई के साथ शैल लगता है। बेटा बिल्कुल गलत नहीं है आई के साथ विल लगाना, क्योंकि आई के साथ विल लगाने का मतलब होता है इरादा। क्या होता है? इरादा। इरादा सुना आपने? इरादा कर लिया, इरादा स्वच्छ भारत का इरादा सुना है ना? तो जब भी निर्णय कर लिया आपने, बिल्कुल डेफिनेट हो गए, निश्चित हो गए हो, तब आपको ठान लिया है, तब आपका आई के साथ विल लगेगा। आपने सुना होगा टीम इंडिया के लोग कहते हैं चैंपियन वी विल डू इट, वी विल डू इट, मतलब हम इसको कर डालेंगे, हम इसको कर डालेंगे। समझ में आया ना? है ना? वी विल वॉन, वी विल वॉन, वी विल विन, सॉरी वॉन तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वर्ड की फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन होती है, और विल के साथ क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, यस और नो। तो क्या है? वी विल वॉन, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब वैसे तो विल के साथ शैल यूज होता है, बट युवराज यहाँ बताएगा कि वी के साथ विल क्यों यूज हुआ है। बिल्कुल सही, उस बात को निश्चय किया गया, इसलिए यहाँ पर विल लगाया है। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बोलो क्या आएगी, फिर क्या आएगा, विल आएगा या शैल आएगा, या फिर क्या आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे कोड दिया है डब्ल्यू एच फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जांपल बात करते हैं, राम तुमसे कब मिलेगा, राम तुमसे कब मिलेगा। देखिए कब आ चुका है, कब डब्ल्यू एच वर्ड है, व्हेन विल राम मीट यू, बिल्कुल सही, व्हेन विल राम मीट यू। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ आया है, कहाँ 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 का क्या होगा, वेयर विल पीपल गो। चलिए आंख मूंद करके बताइए, वह तुम्हें कॉल कैसे करेगी, हाउ विल शी कॉल यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, हाउ विल शी कॉल यू। क्या तुम यह जॉब करोगे, विल यू डू दिस जॉब, वेरी गुड, विल यू डू दिस जॉब। क्या तुम्हारी बहन इस कॉलेज में पढ़ेगी, विल योर सिस्टर स्टडी इन दिस कॉलेज, बिल्कुल सही। वह इस बारे में क्या करेगा, वह इस बारे में क्या करेगा, वह इस बारे में क्या करेगा, क्या बाद में आ रहा है, तो व्हाट से शुरू होगा, व्हाट विल ही डू अबाउट, अबाउट दिस या अबाउट इट, अबाउट इट, ओके, मैटर है, इस बारे में कोई मैटर है, तो मैटर के लिए इट लगाओ, क्या लगाओ, इट लगाओ, यस। वे कौन सा गाना गाएंगे, वे कौन सा गाना गाएंगे, हाँ, विच सॉन्ग विल दे सिंग, दे विल सिंग नहीं, याद रखना, विच सॉन्ग के बाद विल आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल आएगा, विच सॉन्ग, ये देखिए विच सॉन्ग आ गया अपना डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद विल आ गया, विच सॉन्ग विल दे सिंग, क्लियर हुआ। देविल सिंह नहीं आएगा, देविल सिंह तो क्या हो गया, अफर्मेटिव, क्या हो गया, अफर्मेटिव, बट अपना क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव, क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव, विल दे सिंह आएगा। तुम कौन सा बिजनेस शुरू करोगे, विच बिजनेस विल यू स्टार्ट, हाँ, तुम अब उसे कहाँ ढूंढोगे, वेयर विल यू फाइंड आउट हिम, या वेयर विल यू फाइंड हिम, दोनों एक ही चीज है, ढूंढने को बोलते हैं फाइंड आउट या फाइंड, दोनों ही एक चीज होता है ना, फाइंड आउट भी होता है और फाइंड भी होता है, दोनों ही चलता है, तो जो लगाना चाहे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। चलो अब आते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब कि निगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा, तो वही पैटर्न है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, वाई से स्टार्ट हो, वाई विल राम नॉट मीट यू, नॉट मीट यू, फिर से बोल रहा हूँ, मीट के बाद टू यू नहीं लगता है, यू आएगा, वाई विल राम नॉट मीट यू। क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, वाट नहीं आएगा, क्या लोग घूमने, देखिए क्या लगा भले है मगर क्या पहले आ रहा, हाँ क्या पहले आ रहा है,
और अगर पहले आता है क्या, तो वो किस, वो विल से शुरू होगा। वो व्हाट से शुरू तब होता है जब बीच में आता, इसका नियम होता है बाद में आता कहीं पर, समझ गए ना। तो क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। चलिए अगला, आंख बंद करके बताइए, क्या वह तुम्हें कॉल नहीं करेगी, विल शी नॉट कॉल यू। बिल्कुल सही, विल शी नॉट कॉल यू। तो ये रहा है हमारा, ये रहा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या रहा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब रहा होगा, रहा होगा। अब बोलोगे सर फ्यूचर में कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप आज बैठे हो और आप फ्यूचर की इस्तेमाल, जैसे अब मैं कहूँ भैया एक महीने बाद आप क्या कर रहे होगे, तो मैं बोलूँगा सर एक महीने बाद तो हमारे छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी और हम पढ़ाई कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। तो क्या बोलोगे उस समय, युवराज स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा। हाँ तो है तो फ्यूचर में चल रहा है, बट कहाँ चल रहा है, फ्यूचर में। इसीलिए फ्यूचर में चलने वाली चीज को बोल दिया गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, समझ में आ गया। तो इनको फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलते हैं बच्चों। तो इसकी पहचान क्या है, इस टेंस में सॉरी मुख्य क्रिया के साथ में आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग किया जाता है। युवराज क्रिकेट खेल रहा होगा है ना, आयुष अपने मामा के घर डांस कर रहा होगा है ना, विशु अपनी मामी के घर खटाई खा रहा होगा, रसगुल्ला खा रहा होगा, समझ गया ना। युवरागी अपनी चाची के यहाँ गाना गा रही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है फ्यूचर की बात करी जाती है, तो आपको फ्यूचर में कंटिन्यूअस के लिए ऐसा टेंस लगाया जाता है। अब इसका रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का यानी सिंपल का, सबसे पहले क्या आएगा बोलो, सब्जेक्ट, फिर आएगा या तो शैल बी, या तो शैल बी आएगा, या तो विल बी आएगा, या तो शैल बी आएगा, या तो क्या आएगा, विल बी आएगा। फिर बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो क्या लगता है आई एन जी, और साथ में ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए बताइए, राम घूमने जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। वह घर पर पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग एट होम, एट होम, घर पर एट होम। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए हाँ, अब देखिए नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव ध्यान से देखो, नेगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट घुसेड़ देना है, नॉट को आपको रख देना है। तो सब्जेक्ट, फिर विल नॉट भी आएगा या शैल नॉट भी आएगा। वैसे यहाँ पे देखो, मैं घर पर क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो यहाँ पे आई शैल भी आएगा। क्या बेटा, आई शैल भी। बट आजकल क्या मॉडर्न जमाना है, तो विल भी लगने लग गया है दो के लिए कोई भी, तो गलत नहीं है। आप विल भी लगाओ, शैल भी। अब आपके स्कूल लेवल पे एक्चुअली शैल भी लगता है, क्या लगता है स्कूल लेवल पे, शैल बी, तो आई शैल बी। बट आपने यदि विल भी लगा दिया है, तो विल भी मतलब इरादा, विल भी मतलब इरादा कि मैं पक्का पक्का घर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ पक्का मैं घर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ। और अगर आई शैल बी मतलब आप कल्पनाओं में जी रहे हो, आहा मैं उस दिन घर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, शाम को मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे शैल बी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो एक बार देखिए फिर से कोडिंग देखिए, यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट है, फिर विल नॉट बी है, विल नॉट बी है या शैल नॉट बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आई एन जी है। तो आइए देखते हैं इस रूल को। वह सो वो, बच्चों वो बोले या वह बोले एक ही बात होता है। ओके हाँ, मैं मतलब बोलने में इंग्लिश में वो कौन था, वो कौन था मतलब वह कौन था, वो कौन था मतलब वह, तो वो और वह एक ही चीज है। हाँ, वो सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। अरे ये तो सिंपल दे दिया भाई साहब, इसने नेगेटिव तो है ही नहीं है। हाँ, डैड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ, है ना। हाँ राइट नाउ, इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, है ना। जैसे मतलब बच्चा क्या कल्पना कर रहा है कहीं दूसरी जगह बैठ करके,
जैसे युवराज मान लो जबलपुर में बैठ के कल्पना कर रहा है कि मेरे पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, मतलब हाँ हाँ, क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में तो कल्पना ही कर सकते हो ना, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। सो डैड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग, है ना, विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट, इस वक्त मतलब एट दिस मोमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना निगेटिव हो गया। चलिए अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव पे देखते हैं। देखिए जैसे युवराज ने कहा यहाँ पे कि एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पर इस पल नहीं बोला, इस वक्त बोला है, तो एट दिस टाइम भी यूज कर सकते हैं, और इस पल में या इस वक्त को ही एट दिस मोमेंट बोला जाता है, चलता है इतना। वैसे अच्छी बात है यहाँ पर, जैसे युवराज ने कहा एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अब आइए देखते हैं लास्ट है डब्ल्यू, कवर करते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का वर्ड क्या, डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर भी आएगा। ध्यान उधर देखिए सभी बच्चे, डब्ल्यू एच फैमिली है, फिर विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फिर इसका ऑब्जेक्ट है। बोलो समझ में आ गया कोड? तो सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर क्या है विल, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कुल मिला के विल और बी के बीच में सब्जेक्ट घुस जाएगा, है ना। हाँ तो चलिए देखते हैं, राम कहाँ सो रहा होगा, राम कहाँ, तो वेयर से स्टार्ट होगा, Where will Ram be sleeping? Where will Ram be sleeping? क्या वह घूम रहा होगा? Will he be walking? Will he be walking? वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी? अब देखो क्या बीच में आ गया है, What से शुरू होगा? What से शुरू होगा? बोलो What will she? What? What? फिर से बोलिए What will? हाँ देखिए गलती कर रहे हैं आप लोग, शी के बाद आप बी नहीं लगा रहे हैं, आप सीधे फीडिंग बोल रहे हैं, है ना, प्रेजेंट नहीं चल रहा भाई साहब, है ना, ये क्या चल रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। व्हाट विल शी बी फीडिंग, विल के बाद शी, उसके बाद बी, है ना। व्हाट विल शी बी फीडिंग द डॉग, क्या वह घर जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग होम, गोइंग टू होम, बिल्कुल सही, गोइंग टू होम, विल ही बी गोइंग टू होम, क्लियर हो गया बच्चों। अब चलिए लास्ट खत्म करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो क्या रूल है बोलो, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट है। देख लो एक बार फिर से, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली सबको पता है, फिर विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, अब इसके बाद नॉट आता है क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर बी आएगा, बी का जरूर ध्यान रखना, बी की गलती होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, क्या राम मार्केट नहीं, हाँ विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल सही। क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग नॉइस, बेटा साउंड यानी आवाज होती है, नॉइस मतलब शोर होता है, हल्ला गुल्ला को नॉइस बोलते हैं। क्या मैं सो नहीं रहा होऊंगा उस वक्त, है ना, हाँ विल आई नॉट, बिल्कुल सही, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हो, देखो क्यों नहीं आ रहा, क्यों से स्टार्ट होगा, वाई विल यू नॉट बी डूइंग दिस वर्क, है ना, दिस वर्क, नहीं नहीं देखिए मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सही से, गलती मेरी है, तुम यह काम क्यों नहीं कर रहे होगे वाई विल यू नॉट बी डूइंग दिस वर्क, ओके। तो बच्चों ये था हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस, हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है, कल हम करेंगे फ्यूचर का परफेक्ट। देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट में देखा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, यी होगी, ये होंगे, ओके। और फिर इसके बाद हमारा लास्ट आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद हमारा लास्ट बनेगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हमारी क्लास को यहीं पर आज्ञा दीजिए और हम लोग कल इसको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन, धन्यवाद।